हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द करस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। सेंटर ओ कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होगी, मान लीजिए यहां से ए से बी तक कि जो सर्कमफ्रेंस की दो लाइन, यानी सर्कमफ्रेंस पर दो लाइन को, दो पॉइंट्स को जॉइन करती हो, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या करती है कि सेंटर के साथ, सेंटर ओ के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि करस्पोंडिंग एक तो माइनर सेगमेंट ये वाला, और एक फाइंड करना है हमें मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस कितना है सर्कल का, यानी ये ओ ए और ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ ए और ओ बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। कितने हैं दोनों, 15 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। थीटा की क्या वैल्यू है, यानी एंगल की 60 डिग्री। अब सबसे पहले, यानी पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है कि करस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, या इसको कहें हम कि करस्पोंडिंग सेगमेंट। अब सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। की इसको निकालने के लिए पहले तो हमें इसका एरिया निकालना होगा कंप्लीट सेक्टर का, और सेक्टर कैसे बनेगा कि जब आर ए से बी तक जाएगी तो ये वाला होगा कंप्लीट सेक्टर। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है कि ये ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस करना है, तो वो आएगा इस एरिया ऑफ सेगमेंट, या कहीं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और यहां पर पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, और रूट थ्री की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही हमें गिवन है। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। अब थीटा की क्या वैल्यू है, यानी एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन 360 इंटू में पाई, पाई की क्या वैल्यू 3.14, आर की क्या वैल्यू 15, तो 15 इंटू 15, 0 से 0 कट, 6 6 से 36 नीचे रहेगा 6, अब 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ऊपर क्या बचा कि 3.14 इंटू में 5 इंटू में 15 अपॉन में 2, तो 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 7 15 इंटू में 15 अपॉन में 2, और 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 235.5 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 2, अगेन 2 1 2, और ये आएगा 2 7 14, तो ये आया एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आया 117.75।
अगर हिंदी भाषा में कहें तो पौने 118 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया एरिया ऑफ सेक्टर की कंप्लीट इसका एरिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करने के लिए इसमें एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए, तो वो इसमें अभी है नहीं, तो हम क्या लेंगे कि ओडी, इस पॉइंट को हम नाम देंगे कि ओडी। हमने क्या लिया है, ओडी हमने लिया है परपेंडिकुलर टू एबी। अब जब ओडी परपेंडिकुलर टू एबी लिया है तो ये ट्रायंगल ओएबी कॉन्जुगेट होगा ट्रायंगल ओडीबी के, एंड ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ ए ओ बी डी के। क्यों? क्योंकि ओडी ओडी क्या है, कॉमन दोनों में, और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है सर्कल के, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल, और एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहां से क्या होगा ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी, किससे होगा आर एच एस से, कि राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओडी, क्यों, बाय सीपीसीटी। अब ये ओडी क्या है, ओडी इज द एंगल बाइसेक्टर, ओडी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओडी ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ 60 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल 60 का है, और जब ये बाइसेक्टर है तो ये 30 का और ये भी 30 का, तो यहां से इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब कंसीडर करिए ट्रायंगल ओएबी, कि ट्रायंगल ओएबी में आप देखिए कि एक एंगल है, यानी अगर इसकी फिगर बनाए हम सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल की, तो इस तरह की फिगर बनेगी कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री ओ ए डी। अब इस एंगल के रेफरेंस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, एडी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या है ओए हाइपोटेन्यूस, और ओडी क्या है बेस। ओए की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 15 सेंटीमीटर, कि ओए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले निकालनी है ओडी की वैल्यू, तो ओडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ओडी अपॉन ओए। अब ओडी क्या है बेस, ओए क्या है हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हुआ कॉस थीटा, और थीटा क्या वैल्यू 30 डिग्री, तो ओडी अपॉन ओए किसके इक्वल हुआ कॉस 30। ओए की क्या वैल्यू है 15, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो यहां से ओडी की वैल्यू क्या आई 15 इंटू में √3 अपॉन में 2, और सेम इसी तरह अब वैल्यू निकालेंगे एडी की, तो एडी अपॉन ओए ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा, थीटा की क्या वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 एडी, ओए की वैल्यू क्या है 15, साइन 30 की हाफ, तो AD की क्या वैल्यू आई 15/2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है सेंटीमीटर। अब AD क्या है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ट्वाइस ऑफ AD किसके इक्वल होगा AB के, यानी AD प्लस AB करेंगे तो AB के इक्वल आएगा,
और AD की क्या वैल्यू आई है 15/2, तो 2 से 2 कट। AB की क्या वैल्यू आई, AB आया 15 सेंटीमीटर के इक्वल। AB की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर, OD की वैल्यू आई 15√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना है। तो पहले हमें अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, वो क्या होगा हाफ बेस OAB, तो इसका बेस क्या होगा AB और हाइट क्या होगी OD। AB की क्या वैल्यू है, AB की वैल्यू है 15, OD की क्या वैल्यू है 15√3/2। ये कितना है 15 × 15 225√3/4। रूट थ्री की वैल्यू क्या गिवन है 1.225 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, 1.73 क्या है रूट थ्री की वैल्यू, तो ये आएगा 389.25/4। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 389.25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 389.25/4। तो अब सिंपल यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 117.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 471 माइनस 389.25/4। तो ये आएगा 0.75 और 81.75/4, इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 × 2 = 8, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट या कहें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। अब आई की क्या वैल्यू 3.14, आर यानी रेडियस की क्या वैल्यू 15 × 15 माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या है 20.4375, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 और 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.5। इसमें से हमें माइनस करना है 20.4375 में से हम माइनस करेंगे 20.4375 जो कि 706.5 क्या है एरिया ऑफ सर्कल, और 20.4375 क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इनको जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी।
सिंपल इसमें क्या है कि इसमें सेगमेंट निकालने हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर एक क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7।